स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 1E है। इसका जो क्वेश्चन है हमारे पास 2, वो हम इसे जो है सॉल्व करने लगे हैं। और कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, यानी ये एक्स है और ये वाई है, दो वेरिएबल है। इन दो वेरिएबल की हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड ऐसे करते हैं कि एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी एक को उस पूरी इक्वेशन में से खत्म करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें हमारे पास आ जाएगी और उसकी हेल्प से जो अननोन है जिसको हमने एलिमिनेट किया वो भी आ जाएगी। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म करना, एलिमिनेट करना, निकालना उस पूरी इक्वेशन में से, उड़ा देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 7x-2y = 17, 3x+4y = 17। तो इसमें देखें, जैसे कि पहले मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं उसमें भी मैं बताया था कि एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि जो आपके पास वेरिएबल है x, क्या वो उसके साथ जो कोफिशियंट है वो इक्वल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर x है 2 में वेरिएबल, इसमें हमारे पास क्या है 7 है, इसके साथ क्या है 3 है। ये जो 7 है और ये 3 है ये इस वेरिएबल के कोफिशियंट है, यानी जो शुरू में नंबर लिखा होता है उसे हम कोफिशियंट कहते हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल है। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, अगर दोनों वेरिएबल आपके पास डिफरेंट है दूसरे वेरिएबल को चेक कर लिया जाता है। इससे भी देखें हमारे पास यहाँ 2y है या 4y है, यानी यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ये दोनों कोफिशिएंट डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अगेन हमारे पास क्या है कि ये वेरिएबल भी सेम नहीं है। जब वेरिएबल सेम नहीं होते तो फिर आपको वेरिएबल सेम करने पड़ते हैं। तो कैसे हम वेरिएबल को सेम कर सकते हैं? बहुत आसान सा है, इस पर निहाल है कि हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, यानी इक्वेशन जो 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? अभी देखिए हमारे पास क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इस स्टेप में जैसे ही कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ऑन बोथ साइड, ठीक है। -2 × 2y = 2 × 17, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 4 और 17 × 2 = 34। ये हमारे पास जो है तीसरा वेरिएबल आ गया। अब अगर आप देखें इसमें हमारे पास इक्वेशन जो इसको थोड़ी देर भूल जाए, अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 and 2 and 3, इसमें हमारे पास यहाँ यहाँ क्या है 4y है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4y। तो इनमें हमारे पास देखें ये और ये दोनों वेरिएबल क्या है सेम आ गए, इसलिए इसी को ये जो मैंने लिखा था मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था कि यहाँ 4 है, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये देखो दोनों वेरिएबल सेम आ जाएंगे। या अगर वेरिएबल सेम दे दिए हैं या आपने उनको वेरिएबल को सेम किया, जैसे यहाँ सेम दिए नहीं थे हमने सेम उनको बनाया, जैसे यहाँ देखो 4y और 4y सेम हो गए। जब आपके पास वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो फिर आप अगला मरहला आता है साइन देखने का। आप साइन देखते हो कि दोनों के साथ साइन कौन सा है, अगर दोनों के साथ साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो फिर आप ऐड करोगे, जैसे कि यहाँ पर इधर प्लस है और इधर माइनस है, ऑलरेडी साइन डिफरेंट है तो आप ऐड करोगे, क्योंकि डिफरेंट साइन की वजह से उस वेरिएबल ने एलिमिनेट हो जाना है, कट जाना है, खत्म हो जाना है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये दोनों सेम है, अगर साइन सेम होते तो आप सब्ट्रैक्शन करते हो। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन किसको 2 and 3 को हमने क्या करना है ऐड। अब हमारे पास जो है इसको लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं 14x-4y = 34 आ गया और दूसरा हमारे पास 3x+4y = 17 आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास -4y + 4y से कैंसिल, 14+3 = 17x हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 8 आ गया, यहाँ 51 आ गया, ठीक है 51, ये हमारे पास कितना आ गया 51। अब हमारे पास क्या है x चाहिए, तो हमारे पास 17 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ इसमें जाके क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है, 17 का टेबल 3 टाइम जाएगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यही हम क्या कर देंगे, पुट इन 1 कर देंगे, 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। अब हमारे पास देखो 7 है, आगे क्या है x, x की जगह पर लिखिए 3, अब -2 आगे क्या है y, एज इट इज आ जाएगा = 17, 7 × 3 = 21 − 17 = 2y। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये जो 2y है उधर जाके प्लस हो गया, ये 17 इधर आके माइनस हो गया, 21 में से 17 के पीछे 4 बचेंगे और यहाँ 2y, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाए तो y, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x की भी वैल्यू है और y की भी, हम चेक कर लेते हैं, उसने पूछा नहीं है लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करेंगे।
ये देखिए 7 है, आगे का x, x की जगह हमने क्या पुट कर रहे हैं 3, 3 पुट कर दिया, आगे माइनस 2, आगे है y, तो y की जगह हमने क्या पुट कर रहे हैं 2 पुट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 17, 7 3 21, 2 2 4 = 17, तो 21 में से 4 गए, 17 = 17, तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारा हमने जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं, बेशक वीडियो को आप ऐसा करेंगे पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम चलते हैं जी पार्ट डी की तरफ, इसका जो पार्ट डी है, अच्छा जो हमारे पास इसका पार्ट बी है वो क्या है, 16 + 5 है, 16x + 5y है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 39 है, और फिर हमारे पास क्या है 4 3 31, 4x - 3y = 31, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन 2 है। अब अगर आप देखें तो पिछले वाले में हमारे पास यहाँ 2 था और यहाँ 4 था, तो खुद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने दोनों को सेम कर लिया। अब इसमें हमारे पास x को आसानी से सेम किया जा सकता है, क्यों कि ये 16 है, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x वेरिएबल सेम हो जाएगा, y वेरिएबल को सेम करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये जो 3 है इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 = 15 हो जाएगा, और इस नीचे वाली इक्वेशन को इस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 3 = 15 हो जाएगा, तो y को भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन ये है कि वो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y वेरिएबल को सेम करने के लिए, तो x वेरिएबल को सेम करने के लिए हमें एक ही नंबर से एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए इस स्टेप शॉर्ट है, तो इस x जो वेरिएबल है उसको सेम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 4 on both side, on both side, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 4x - 4 × 3y = 4 × 31, 4 4s are 16, 4 3s are 12, और 4 1s are 4, 4 3s are 12, इक्वेशन नंबर क्या आ गया 3। अब हमारे पास इस ये दो इक्वेशन में देखें वेरिएबल क्या आ गए, सेम 16x 16x, जैसे कि मैंने पिछले वाले इसके पार्ट ए में बताया, ये तो क्योंकि पार्ट बी है ना, कि जब आपके पास वेरिएबल सेम हो जाते हैं या सेम दिए जाते हैं, वेरिएबल सेम के बाद आपका अगर मरल आता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो पिछले में जब हमने वेरिएबल सेम किए थे तो उनमें ऑलरेडी दोनों वेरिएबल के साथ साइन डिफरेंट था, तो वहाँ पे हमने एडिशन की थी, जबकि इस वाले में हमने वेरिएबल सेम किए तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों प्लस हैं, तो दोनों जब प्लस हैं तो इसका मतलब है साइन सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होती है, क्यों कि सेम साइन में तो नहीं करते ना, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन में डिफरेंट हो जाएंगे, तो साइन डिफरेंट होगी तो कटिंग हो जाएगी, हमने कटिंग करनी है, एलिमिनेट करना है, तो अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 3 and 4, तो 3 को मैं पहले लिखूंगा 16x - 12y = 124, और 4 को मैं बाद में लिखूंगा 16x + 5y = 39। अब मैंने क्यों किया, 3 को पहले रखा और 1 को बाद में रखा, क्योंकि देखो ना ये बड़ी इक्वेशन है, ये देखो ये तो सेम है लेकिन यहाँ y जो वेरिएबल है उसके सब कोएफिशिएंट बढ़े और कांस्टेंट भी बढ़े, तो एडिशन में तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, अब इसके साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ साइन कोई नहीं था तो प्लस का था, इसलिए मैंने सर्कल लगा दिया ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि तीनों जो है दो वेरिएबल और तीसरा कांस्टेंट, ये सारे के साथ प्लस का साइन था, सेम साइन था, इसलिए सारों के साथ साइन चेंज होकर माइनस हो गया। अब माइनस इसलिए किया कि साइन में चेंजिंग आ गई, साइन डिफरेंट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया वेरिएबल आपका एक्स, एलिमिनेट हो गया, ये कितना हो गया 12 और 5 17 y, और साथ साइन माइनस का लगेगा, अब देखो क्यों इन दोनों के साथ साइन माइनस का लगेगा, इन दोनों के साथ साइन माइनस का इसलिए लगेगा, उसकी रीजन है कि देखो इसके साथ भी साइन माइनस है और इसके साथ भी साइन क्या है माइनस है, दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों एक ऐड हो गया और साइन वही रहा दोनों के साथ है, अब साइन इसके साथ कोई नहीं है, इसका मतलब प्लस है, सब माइनस है, साइन दोनों पर डिफरेंट है, यहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 9 नहीं निकाल सकते, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 9 गए तो 1 और 4 5 आ गए, और 11 में से 3 गए तो 8 आ गया, हमें क्या चाहिए y, तो y इधर रह जाएगा, ये 85 के साथ ये प्लस का साइन लेते हैं क्योंकि 39 छोटा है 124 बड़ा है, तो ये 17 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 17 कितने सर 17 5 सर क्या होता है 85 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -5, यानी y की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं,
हमारे पास कितना आ जाएगी 16x plus 5y है, y की जगह हमने क्या पुट करना है जी minus 5 और दूसरी तरफ 39। अब देखिए 16x हो गया plus minus minus 5 से 25 और दूसरी तरफ कितना हो गया 39 हो गया। 16x हो गया 39 हो गया, ये minus उधर आके क्या हो गया plus 25 हो गया। 16x हो गया 9 और दोनों सेम है ऐड हो जाएंगे 9 और 5 14, 14 का 4 लगा 1 कैरी चला गया 3 और 2 5 और कैरी वाला 1 वाला 1 64 ये 39 प्लस 25 64। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया तो x इज इक्वल टू 4 16 4 जर 64 सॉरी गलती 16 लिख दी 16 4 जर 64 हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमारे लाते हैं चेक करते हैं, तो अभी हम चेक करते हैं। चेक में हमारे पास नीचे वाली कोई में बेशक चाहो तो पुट कर दो, मैं 4 x की जगह वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 4 है माइनस 3 y की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है जी माइनस 5 है और दूसरी तरफ क्या है 31 है। अब देखें यहाँ 4 x की जगह हमारे पास 4 आ गया, ये देखिए 4 माइनस इसी तरह 3 इसी तरह y, y की जगह देखो माइनस 5 y की जगह माइनस 5 पुट कर दिया 16 माइनस माइनस प्लस 3 5 सर 15 इज इक्वल टू 31 16 और 15 31 होता है दूसरी तरफ 31 तो आपकी दोनों तरफ इक्वल आ गई क्योंकि ये सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि आपकी मान x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 ये दोनों आपके पास क्या है ठीक है आपका आंसर आ गया। अभी हम चलते हैं इसके पार्ट थोड़ी सी जगह इधर ही कोशिश करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो ये पार्ट बी था इसका 2 का और अब हमारे पास 2 का पार्ट सी है। अब 2 का जो पार्ट सी है x + 2y 3 है x plus 2y is equal to 3 है equation 1 है आपके पास then हमारे पास 3x 5y 3x और 5y और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 7 है और ये हमारे पास कौन सी आ गई equation 2 आ गई। अब इसमें देखिए हमारे पास variable same नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है 1 है और इधर 3 है इधर 2 है इधर 5 है तो सबसे पहले हमने क्या करना है इन वेरिएबल को सेम करना है। वेरिएबल को सेम करने के लिए हमें बहुत आसान है इसमें कि देखो इधर कोई नंबर नहीं है तो इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां 3 आ जाएगा ये भी 3 है तो सेम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ साइड तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 हो जाएगा ये इक्वेशन 3 आ गई। अब देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इनमें देखिए वेरिएबल जो है हमारे पास x हो सेम हो गया 3x 3x हो गया और साइन भी कोई नहीं है तो इसका मतलब है दोनों के साथ साइन क्या है प्लस है। अब साइन सेम है तो वहां पर सबट्रैक्शन होती है तो क्या लिखेंगे सबट्रैक्ट 3 एंड 4 3 6y is equal to 9 यानी इक्वेशन 3 को लिखा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 2 को दैट इज 3x plus 5y is equal to 7 क्योंकि बड़ी इक्वेशन को ऊपर छोटी को नीचे इसके साथ साइन प्लस क्या तो माइनस कर दो ये प्लस क्या माइनस कर दो कोई साइन नहीं है तो प्लस है ये माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल 6y में से 5y गया तो जस्ट 1y बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा हमारे पास वैल्यू आ गई y की वैल्यू 2 पुट इन 1 कर लेते हैं 1 हमारे पास क्या है x प्लस आगे क्या 2 अब क्या है y की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 3 तो x 2 2 जर 4 इज इक्वल टू 3 तो x is equal to 3 minus 4 तो x की वैल्यू हमारे पास minus 1 आ गई। अब हम इस जगह इसको क्या करते हैं जी चेक करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर दो x है x की जगह minus 1 plus 2 है 2 as it is y की जगह क्या है 4 है तो sorry 2 है देखो 2 y की वैल्यू 2 है 2 पुट कर दी दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 3 है minus 1 plus 2 2 जर 4 is equal to 3 4 में से 1 क्या है प्लस 3 और दूसरी तरफ भी कोई साइन नहीं तो प्लस 3 लेफ्ट राइट इक्वल आ गई इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 ई क्लास 8 की मैथ्स न्यूशन की मैथमेटिक्स बुक 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट ए बी और ये पार्ट आई थिंक ए था 16x अच्छा पार्ट बी था और पार्ट बी जो है अच्छा हाँ ये सारा पार्ट बी है ये सारा पार्ट हमारे पास क्या है बी ही है ठीक है ये पार्ट बी है और सी है ए को हमने रिमूव कर दिया तो इसमें हमारे पास ए बी सी तीनों हमने कर ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो अगर क्वेश्चन किसी भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।